गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो वी विल रिज्यूम द रेस्ट पार्ट ऑफ द लेसन साउंड ऑफ म्यूजिक. बिस्मिल्लाह खान, ही रिसीव्ड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न. सो लेट अस रीड द रेस्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन. व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई. जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन. वो पहला व्यक्ति था जिसने नेशन का ग्रेट किया, वेलकम किया. ही पोर्ड इज हार्ट आउट इन टू राग कैफी फ्रॉम रेड फोर्ट टू ऑडियंस विच इंक्लूड महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू, हु लेटर गेव हिज फेमस ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच. और उस समय उन्होंने जो हमारा जो कंट्री है वो इंडिपेंडेंट हुआ, उसमें उसने जो अपना राग सुना है उसमें अपनी पूरी आत्मा डाल दी, पूरा जी जान डाल दिया. और उस समय महात्मा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उपस्थित थे वहाँ पे, और उन्होंने जो ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच भी दिया था. बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड. उन्होंने बहुत सारे मेमोरेबल अनफॉरगेटेबल परफॉर्मेंसेज दी अपने देश में और विदेश में. हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जहीर शाह वॉज सो टेकन इन बाई द मास्टर दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट एंड अदर सोनेर्स. अफगानिस्तान में जब उन्होंने परफॉर्मेंस दिया तो किंग जहीर खान इतना इम्प्रेस हुआ कि उन्होंने प्राइसलेस पर्शियन कारपेट दिया और अन्य मोमेंटो उसको कन्फर किए. The king of Afghanistan is not the only one to be fascinated by Bismillah music. वो अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इम्प्रेस हो उसके म्यूजिक से. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज ऑल्सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्ला प्ले एट द फेस्टिवल दैट ही नेम्ड द फर्स्ट फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई. इसके बाद और भी व्यक्ति थे जो इम्प्रेस हुए थे. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी बड़ा इम्प्रेस था. उन्होंने गूंज उठी शहनाई मूवी भी इनकी शहनाई के नाम से बनाई थी. द फिल्म वॉज हिट और फिल्म काफ़ी चर्चित रही, फेमस हुई फिल्म. एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाज कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया, ये उसके बोल थे, वो भी काफ़ी फेमस हुआ. टर्न आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर होता है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग पर हुआ ये उनका जो दिल का खिलौना है टूट गया जो उन्होंने प्ले किया शहनाई पे. डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन सेलुलॉइड वर्ल्ड, और इस सेलुलॉइड यानी फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेस होने के बावजूद, बिस्मिल्लाह खान वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू टू. खाली दो ही फिल्मों में उन्होंने अपना म्यूजिक दिया शहनाई से. विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सनादि अपन्ना, इन दो ही में उन्होंने काम किया था. आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज इम्फेटिकली. और उन्होंने क्यों नहीं किया काम, क्योंकि वो कहता है कि चकाचौंध दुनिया से, ग्लैमर वर्ल्ड से वो सेट नहीं कर पाया, उसको पसंद नहीं था ये चकाचौंध भरी दुनिया, वो उसको नकली मानता था इस जीवन को. अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट. उसके जीवन में अवार्ड्स वगैरह बड़ी शीघ्रता से आने लगे बिकॉज ही वॉज वेरी स्किल्ड इन हिज आर्ट ऑफ प्लेइंग. बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन US. पहला व्यक्ति था जो अमेरिका के लिंकन हॉल में उसको परफॉर्म करने के लिए इन्वाइट किया गया था. ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल के वर्ल्ड एक्सपोजिशन में, इन द कैंसस आर्ट फेस्टिवल एंड इन ओसाका, और ओसाका में उन्होंने काफ़ी परफॉर्मेंस दी. ओसाका के ट्रेड फेयर में परफॉर्मेंस दी. मॉन्ट्रियल में भी उन्होंने परफॉर्मेंस दी अपनी शहनाई से. सो वेल नोन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली, इतना फेमस हो गया इंटरनेशनली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान में एक ऑडिटोरियम, दर्शक दीर्घा बोलते हैं जिसको, वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, उसके नाम के पीछे लगाया गया तेहरान में जो बना, तहर मोश के उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम से.
नेशनल अवार्ड लाइक पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। सारे जो नेशनल लेवल के अवार्ड्स हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण उसको मिले, उनको रिस्पेक्ट दी नेशन ने। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न, और 2001 में उसको भारत का सबसे बड़ा जो नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न वो दिया गया। कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आईज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस ही सेड, ऑल आई वुड लाइक टू से इज टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, दिस इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक। उन्होंने कोवेटेड होता है बहुप्रतीक्षित, मच डिजायर्ड, जो अपनी चेस्ट के ऊपर वो जो मेडल उन्होंने पहना, उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि मैं ये कहना चाहता हूँ, खुशी के साथ उन्होंने कहा कि ऑल आई वुड लाइक टू से, मैं ये कहना चाहूँगा कि टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाऊँ। दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, भारत का ये रिचेस्ट ट्रेडिशन है, महान परंपरा है। इवन द वेस्ट इज कमिंग टू लर्न, और वेस्टर्न कल्चर वाले भी इसको सीखने के लिए आ रहे हैं, तो अपने बच्चों को म्यूजिक प्ले करना सिखाओ। उन्होंने भारत रत्न मिलने के बाद ये शब्द कहे। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी दुनिया की सैर करने के बावजूद भी खान एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड, उसको खान साहब कहते थे प्यार से लोग, इज एक्सेडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमरौन एंड द रिमेन फॉर हिम मोस्ट वंडरफुल टाउन्स इन द वर्ल्ड। बनारस और डुमरौन जो जगह है वर्ल्ड की सबसे, वो अपने लिए अपने हिसाब से सबसे फेमस जगह मानता था। स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड इज शहनाई स्कूल इन यूएसए, एक बार उसके स्टूडेंट ने उसको यूएसए में शहनाई स्कूल खोलने के लिए इन्विटेशन दिया, एंड स्टूडेंट प्रोमिस टू रिक्रिएट द एटमोसफियर ऑफ बनारस बाई रिप्लीकेटिंग द टेम्पल्स देयर। अब उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा बनारस का जो वातावरण है, इन्वायरमेंट है, क्रिएट करेंगे टेम्पल वगैरह लगा के, तो आप यहाँ पे आओ और एक स्कूल खोलो। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, फिर खान साहब ने उससे पूछा कि क्या वो गंगा को भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर सकता है। लेटर ही इज रिमेंबर्ड टू हैव सेड, उसको ये कहते हुए याद किया जाता है, दैट इज वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन, जब मैं विदेश में होता हूँ, फॉरेन कंट्री, आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, मैं हिंदुस्तान के लिए तड़फता हूँ, मतलब आई मिस माई कंट्री। जब वो विदेश में होता है तो ऐसा कहता है कि मुझे हिंदुस्तान पसंद है, मैं उसको बड़ा मिस करता हूँ। वाइल इन मुंबई, और जब मुंबई में होता है, आई थिंक ऑफ ओनली वाराणसी एंड द होली गंगा, और जब मुंबई में होता हूँ मैं, तो मैं वाराणसी को और पवित्र गंगा को मिस करता हूँ। एंड वाइल इन वाराणसी, और जब वाराणसी में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मत्था इन डुमरौन, और डुमरौन का जो यूनिक मत्था है उसको मिस करता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, उनका जो जीवन है बिस्मिल्लाह खान का, समृद्ध भारतीय संस्कृति और विरासत का जीता जागता उदाहरण है, वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट ए डेविट मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट काशी विश्वनाथ टेम्पल। एक धार्मिक मुस्लिम होने के बावजूद भी, कट्टर मुस्लिम होने के बावजूद भी, मंदिर के बाहर शहनाई प्ले करना करते हुए, विश्वनाथ मंदिर के बाहर जो वो शहनाई प्ले करता था, वो एक कट्टर मुसलमान होते हुए भी, तो ये, और वो बिना एफर्टलेसली करता था, तो वो एक सच्चा देशभक्त था, मुसलमान होते हुए मंदिर के बाहर वो ये नहीं मानता था भी मंदिर मस्जिद के भेद को, वो बिल्कुल एक सिंसियर फीलिंग के साथ अपने जो शहनाई को प्ले करता था। स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेसन वेल एंड एन्जॉयड, एंड कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, हैव ग्रेट डे।